आईजी ने जारी किए थे पुलिस की अपराधियों के लिप्तता पर शिकायत के लिए नंबर, रोजाना आना शुरू। आपको बता दें उदयपुर संभाग की आईजी विनीता ठाकुर ने पुलिस की किसी भी तरह से अपराधियों के साथ संलिप्तता या अन्य तरह के अपराध जिसमें पुलिस शामिल हो इस पर एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए थे। वहीं दूसरी तरफ अपने कार्यालय के बाहर शिकायत बॉक्स लगवाया था जिसके तहत पुलिस की शिकायतें मिलना शुरू हो गई है। शुक्रवार को बॉक्स में सूचना मिली है जिस पर आईजी विनीता ठाकुर ने एक्शन लेने की बात कही। पुलिस महानिदेशक राजस्थान के निर्देशों पर एक व्हाट्सएप नंबर और टेलीफोन नंबर जारी किया गया, एक मेल आईडी भी जारी किया गया था जिसका मकसद ये था कि पुलिस कर्मियों की अपराधियों के साथ सांठगांठ और संलिप्तता की सूचना यदि किसी को प्राप्त होती है तो उस शिकायत को हम लोग गंभीरता से लेंगे और इस माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से वो सूचना जिला एवं रेंज स्तर पर दी जा सकेगी जिसपे कार्रवाई करके हम इस समस्या का निवारण, जो संलिप्तता अगर पुलिसकर्मी की पाई जाती है तो उसका निवारण कर सकें। परंतु अभी देखने में आया है कि वो आम समस्याओं के बारे में या किसी के मुकदमे दर्ज हैं उसके बारे में भी ज़्यादा अधिकांश सूचनाएँ जो हैं वो उसी पर आ रही हैं। तो मेरा एक ये निवेदन है सभी से कि वो इसका ध्यान रखें कि ये जो माध्यम बनाया गया है ये एक इसका एक मकसद है जो भिन्न है बाकी चीज़ों के लिए। और भी माध्यम उपलब्ध हैं, मेरा दफ्तर है, एसपी साहब का दफ्तर होता है, हमारे फ़ोन कॉल्स हैं उस पर आप सूचना दे सकते हैं, परंतु इस नंबर पर मेरा अनुरोध है कि केवल वही सूचनाएँ दी जाएँ जो पुलिसकर्मियों के अपराधों से संलिप्तता के बारे में हो या किसी संगठित अपराध के बारे में हो, वो सूचनाएँ इस पर दी जाएँ। मेरे कार्यालय के बाहर श्रीमान पुलिस महानिदेशक के इसी निर्देश के अनुसार एक शिकायत पेटिका भी लगाई गई है, उसमें आज हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है, उस शिकायत का हम जांच करवाएंगे। उस शिकायत पेटिका में भी लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो इसी विषय पे हो केवल। तो ये मेरा अनुरोध सभी से है कि वो इस बात का ध्यान रखें जब इस नंबर को यूज़ करें।